नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल उर्फ निरहुआ के समर्थन में वोट देने की अपील करते हुए एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव प्रचार के लिए सीएम योगी आजमगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी की सरकार ने आतंकवाद का गढ़ बना दिया था। बहुजन समाजवादी पार्टी भी उससे कभी अपने आप को मुक्त नहीं कर पाई। दरअसल अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद से खाली हुई आजमगढ़ लोकसभा सीट पर 23 जून को उपचुनाव होना है, जिसके प्रचार के लिए भाजपा जी जान से लगी हुई है। सीएम योगी ने आजमगढ़ में चक्रपानपुर और बिलरियागंज क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला और कहा कि समाजवादी पार्टी की प्रवृत्ति ही धोखा देने की है, लेकिन हमने आजमगढ़ के विकास को लेकर काशी और गोरखपुर के तर्ज पर आगे बढ़ाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि आजमगढ़ को विकास के साथ जोड़ने का ईमानदारी पूर्वक कार्य अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। साथ ही साथ सीएम योगी ने आजमगढ़ लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के समर्थन में वोट देने की अपील भी की। इस दौरान सीएम योगी ने अग्निपथ योजना को लेकर कहा कि देश के युवाओं के लिए अग्निपथ योजना का पूरी दुनिया स्वागत कर रही है, लेकिन विपक्ष उस पर निशाना साध रहा है। आपको बता दें कि आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में सपा ने धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा है, जबकि भाजपा ने दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को उतारा है, तो वहीं बसपा ने शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को उम्मीदवार बनाकर लड़ाई को त्रिकोणीय और रोचक बना दिया है। और आजमगढ़ में 23 जून को वोटिंग होगी और 26 जून को नतीजे आएंगे। अब देखना ये है कि उपचुनाव में किसकी जीत का परचम लहराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।